नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जी हिंदुस्तान, मैं हूं आपके साथ रुतिका सिंह। चलिए फटाफट अंदाज में आपको दिखाते हैं 5 मिनट में 50 खबरें। पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर अमित शाह देर रात कोलकाता पहुंचे, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। आज अमित शाह एनआईए के अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक, इसके बाद वो उत्तरी कोलकाता स्थित स्वामी विवेकानंद के आवास पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद शाह मिदनापुर जाएंगे और क्रांतिकारी खुदीराम बोस को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और 2 मंदिरों में पूजा अर्चना भी करने का कार्यक्रम है। अमित शाह के बंगाल दौरे के दौरान टीएमसी में बगावत तेज, शिवेंदु अधिकारी सहित तृणमूल कांग्रेस के कुछ असंतुष्ट नेता बीजेपी में होंगे शामिल। बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान, कहा आज गृहमंत्री से मिलेंगे शिवेंदु अधिकारी। पश्चिम बंगाल के स्पीकर विमान बैनर्जी ने शिवेंदु अधिकारी के इस्तीफे का किया अस्वीकार किया। स्पीकर ने शिवेंदु अधिकारी को 21 दिसंबर दोपहर 2 बजे विधानसभा बुलाया। हल्दिया से सीपीआई एम विधायक तापसी मंडल ने दिया इस्तीफा, तो बैरकपुर से टीएमसी एमएलए शीलभद्र दत्त ने भी दिया इस्तीफा। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने ममता बैनर्जी और भतीजे अभिषेक बैनर्जी पर साधा निशाना, जनवरी तक 60 से 65 टीएमसी विधायकों के इस्तीफे का किया दावा। बंगाल में बीजेपी नेताओं पर एफआईआर पर ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई तक बीजेपी नेताओं पर कार्रवाई से लगाई रोक। बीजेपी नेताओं के खिलाफ एफआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को जारी किया नोटिस, 4 हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट को देना होगा जवाब। किसान आंदोलन का आज 24वां दिन, कड़ाके की ठंड में किसान बॉर्डर पर कृषि कानून वापसी की मांग पर अड़े। कृषि कानून के खिलाफ आज खाप पंचायतें दिल्ली यमुनोत्री हाईवे करेंगी जाम, खाप पंचायतों के आंदोलन को देखते हुए पुलिस हुई मुस्तैद। एमपी के किसानों को संबोधित करते हुए कृषि कानून पर बोले पीएम मोदी, कहा यह कृषि सुधार कानून रातोंरात नहीं आया, पिछले 20 से 22 साल से हर सरकार ने इस पर चर्चा की है। पीएम मोदी ने एमपी के किसानों को किया संबोधित, कहा किसानों की बातें करने वाले ये लोग इतने निर्दयी हैं कि स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को 8 साल तक दबाकर बैठे रहे। विपक्ष पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जो लोग किसानों को ना एमएसपी दे सके, ना एमएसपी पर ढंग से खरीद सके, वो किसानों को गुमराह कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि एपीएमसी यानी कि हमारी मंडियों को लेकर भी भ्रम फैलाया जा रहा है, हमने कानून में किसानों को आजादी दी है, नया विकल्प दिया है। राहुल गांधी ने किसानों के बहाने मोदी सरकार पर साधा निशाना, ट्वीट कर कहा किसानों की बात सुनो और कृषि कानून वापस लो। कांग्रेस नेता सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, सुरजेवाला ने मोदी सरकार की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से की। दिल्ली विधानसभा में कृषि कानून की कॉपी फाड़ने पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ संसद मार्ग थाने में शिकायत, बीजेपी ने किसानों को भड़काने का आरोप लगाया। मेरठ के किसान सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने गांधी परिवार पर किया हमला, कहा राहुल और सोनिया को खेती की कोई समझ नहीं। किसानों के बीच भ्रम फैलाने वालों की भी स्मृति ईरानी ने ली खबर, कहा कृषि कानून लाने से पहले 1.5 लाख किसानों से ली गई थी राय। कृषि कानून पर सरकार से फिर बातचीत पर बोले किसान नेता सरवन सिंह पंधेर, कहा किसान सरकार से बातचीत को तैयार। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने नए कृषि कानून से किसानों की आय 2 गुनी होने की बात कही, कहा किसी भी सूरत में वापस नहीं होंगे कानून। पक्ष विजेंद्र सिंह ने टिकरी बॉर्डर पर किसानों के बीच पहुंचे, कहा किसानों की लड़ाई किसी से नहीं, बस सरकार 3 कानून वापस ले। कांग्रेस के नाराज नेताओं संग सोनिया की अहम बैठक आज, राहुल प्रियंका भी होंगे शामिल। एसोसिएटेड चैंबर ऑफ कॉमर्स को संबोधित करेंगे पीएम मोदी, आज सुबह 10:30 बजे पीएम मोदी का संबोधन। 27 दिसंबर को पीएम मोदी करेंगे मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से मांगे सुझाव, 27 दिसंबर को इस साल की आखिरी मन की बात। तेलंगाना के आदिलाबाद में एआईएमआईएम नेता फारूक अहमद की दबंगई, दिन दहाड़े 2 लोगों पर किया जानलेवा हमला, गोली मरने के बाद मारा खंजर। वायरल वीडियो पर निर्माता निर्देशक करण जौहर ने एनसीबी को दिया जवाब, कहा पार्टी में किसी ने नहीं लिया ड्रग्स। पटना में अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ एफआईआर, आरएलएसपी ने कंगना पर पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा का अपमान करने का आरोप लगाया। जापान ने जारी की बुलेट ट्रेन की पहली तस्वीर, मुंबई और अहमदाबाद के बीच दौड़ेगी बुलेट ट्रेन, पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट। एलएसी पर तनाव पर कम करने के लिए भारत और चीन के बीच फिर शुरू होगी राजनयिक स्तर की बातचीत, एलएसी से दोनों देशों के सैनिकों की वापसी पर होगी चर्चा। भारत के शूरवीरों से डरे इमरान के मंत्री शाह महमूद कुरैशी, कहा सर्जिकल स्ट्राइक की प्लानिंग कर रहा है हिंदुस्तान। पुंछ में पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर, भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब।
जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के लिए आज आखिरी चरण का मतदान। आखिरी चरण में जम्मू की 15 और कश्मीर की 13 सीटों पर वोटिंग। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में बर्फ से ढके पहाड़, युवाओं ने बर्फ के मैदान पर क्रिकेट खेलकर उठाया लुत्फ। बाबा का ढाबा चलाने वाले कांता प्रसाद को मिली जान से मारने की धमकी, शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली के सागरपुर में जूते की दुकान में लगी भीषण आग, हादसे में दो बच्चों की मौत। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्टील प्लांट में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी। मुंबई के डोंबिवली में एमआईडीसी में एक कंपनी में लगी भीषण आग, दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। कर्नाटक के मंगलुरु में 8 साल के बच्चे का अपहरण, बदमाशों ने बिटकॉइन में मांगी फिरौती। कोरोना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने की सख्त टिप्पणी, कहा सस्ते इलाज का इंतजाम करे सरकार, राइट टू हेल्थ सबका अधिकार। कोविड अस्पतालों की सुरक्षा को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को दिया निर्देश, हर कोविड अस्पताल का होगा फायर सेफ्टी ऑडिट। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1418 नए मरीज सामने आए, जबकि 37 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में कोरोना के 3994 नए केस सामने आए, जबकि 4467 मरीज रिकवर हुए। राजस्थान में कोरोना का कहर जारी, राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1076 नए केस सामने आए। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का केंद्र सरकार पर आरोप, कहा कोरोना के खिलाफ लड़ाई में राज्य सरकार अकेले लड़ रही है, केंद्र से मदद नहीं मिल रही है। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 274 नए मामले सामने आए, जबकि एक की कोरोना से मौत हुई। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का बड़ा बयान, देश में मुसलमानों का अल्पसंख्यक दर्जा खत्म हो, पाकिस्तान की जनसंख्या से ज्यादा हुई हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी। घुसखोरों के खिलाफ योगी सरकार का बड़ा फैसला, घुसखोरों को ट्रंप ट्रैप करने के लिए दी जाने वाली राशि अब जल्द वापस मिल सकेगी, पहले लगता था लंबा वक्त। में हो या घर पर, अब होगी हर खबर आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर में जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुनें अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान के लाइव टीवी पर कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।